जहां तक होता है मैं किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करती, किसी भी तरीके से उसका रीयूज करके उसे काम में ले लेती हूँ। तो ठंडी ठंडी हम इसको कुल्फी बनाकर खाएंगे। हमारी एक बची हुई चीज काम आ जाएगी। घर में बचे हुए बूंदी के लड्डू या बूंदी रखी हो तो आप इस तरीके से कुल्फी बनाकर जरूर देखिएगा, या ताजा बूंदी से भी आप बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय कुजिन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। हम बनाएंगे बूंदी यानी मीठे दाने से मलाई कुल्फी। इसके लिए मैं ले लेती हूँ, ये आधा प्याला बूंदी है मेरे पास, और लगभग ये 1 किलो दूध है। ये पहले से उबला हुआ मेरा दूध है, आप कोई सी भी क्वालिटी का दूध ले सकते हैं। इसको मैं उबाल कर 1/3 तक कर लेती हूँ, यानी इसकी रबड़ी बना लेती हूँ। ये देखिए दूध उबलते उबलते 1/3 से भी कम रह गया है, इतनी गाढ़ी हमें इसके लिए रबड़ी चाहिएगी। इसको हमने रबड़ी नुमा बना लिया है। अब इस समय पे हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी चीनी, थोड़ी ही डालेंगे क्योंकि बूंदी हमारी ऑलरेडी मीठी है। तो ये वाली 2 चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और इस समय पर ही ये बूंदी भी डाल देते हैं जिससे इसमें भी ये मीठा इसका पैर जाए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बूंदी डालने से थोड़ी और गाढ़ी होगी। अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। अब इस समय पे मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ी सी इलायची, लगभग 3 से 4 इलायची। आप चाहे तो मोटी वाली इलायची भी इसमें डाल सकते हैं। डाल देती हूँ थोड़ी सी पिस्ता कतरन, और थोड़ी सी बादाम की कतरन भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये दोनों इसका स्वाद बढ़ा देगी। गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने के बाद इसे हम कुल्फी मोल्ड में डालेंगे। बूंदी रबड़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई। हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, इस तरीके से भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम इसे आज कुल्फी बना रहे हैं तो ठंडी ठंडी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो हम डाल देते हैं इसको कुल्फी मोल्ड में। ये मैंने ले लिए हैं कुल्फी मोल्ड, और इनमें डाल देंगे हम इस बूंदी कुल्फी को। आपके पास जिस भी तरीके के मोल्ड हो आप उसमें जमा सकते हैं। मेरे पास इस तरीके थे, मैंने इसमें जमा दिए। थोड़ा थोड़ा सा खाली रखेंगे और इसको पैक कर देंगे ढक्कन से। इस तरीके से ढक्कन लगा के हम इसको पैक कर देते हैं और फ्रीजर में रख देंगे जमने के लिए। 4 से 6 घंटे में ये आराम से जमकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से सब में डाल देती हूँ। कई बार बहुत सारी मिठाई आ जाती है, हम उन्हें एक साथ खा भी नहीं पाते, और बच जाती है तो उन्हें फेंक भी नहीं पाते क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही पसंद की भी होती है। तो हम इस तरीके से इसको किसी और तरीके से इनोवेटिव करके हम इसको बाद में खा सकते हैं। तो मैंने आज बना लिया है मीठे दाने से यानी बूंदी से इसको कुल्फी बना ली है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैंने पहले भी इसे ट्राई करके देखा है, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनती है ये। इस तरीके से पैक करके हम इसे रख देंगे। कुल्फी को मैं रख देती हूँ फ्रीजर में जमने के लिए, और 4 से 6 घंटे बाद हम इसे निकाल कर देखेंगे। 4 घंटे में हमारी ये कुल्फी जमकर तैयार हो गई है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। हल्के हाथ से इस तरीके से इसको लूज करेंगे जैसे कुल्फी वाले करते हैं, और इसका ढक्कन खोल लेते हैं, और चक्कू की सहायता से चारों कोनों कोनों में से अंदर डालते हुए इसको इस तरह से निकाल लेंगे। वाओ, देखिए कितनी अच्छी हमारी कुल्फी बनकर तैयार हुई है। ऐसे ही सारी निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये निकल गई है इस तरीके से। आप भी इसी तरीके से इसको निकालिएगा। अब आप भी मेरी तरह कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं करिएगा और इस तरीके से इसको रीयूज़ कीजिएगा। इतने दूध और बूंदी में हमारी 4 कुल्फी बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसमें स्टिक भी लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाकर देखिए मेरी इस रेसिपी को और बताएं अपने अनुभव आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप देखना चाहें जरूर देखें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।